सबको राम राम। और मुझे बहुत कमेंट्स आ रहे बहुत कि बागेश्वर धाम कैसे जाए, कौन सी स्टेशन से ट्रेन पकड़े, कौन सी स्टेशन पर उतरे, कितना पैसा लगेगा, कितने दिन के लिए जाएंगे तो बाबा जी के दर्शन मिलेगा, और ऐसी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो इसी कमेंट्स के बारे में आज हम बात करने वाले और पूरे डिटेल में बताने वाले हैं कि कितने दिन के लिए जाए आप, कितने पैसा खर्चा होने वाला है और कौन सी स्टेशन में आप उतरेंगे, कहाँ से बस पकड़ेंगे, कौन सी स्टॉप पे उतरेंगे, ये सारे चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो लोग वेस्ट बंगाल या कोलकाता से जाने वाले हैं, तो उन लोगों के बारे में बात करते हैं। तो पहले आप लोग थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि हावड़ा स्टेशन से ही दो ट्रेन जाता है। एक ट्रेन है मुंबई मेल, हफ्ते में हर एक दिन रहता है और टाइम थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है लेकिन हर एक दिन रहता है, वो आप गूगल कर लेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। और मुंबई मेल में जा सकते हैं। और एक ट्रेन है जो है शिप्रा एक्सप्रेस, हफ्ते में सिर्फ 3 दिन रहता है और शिप्रा एक्सप्रेस में भी आप जा सकते हैं। और शिप्रा एक्सप्रेस रहता है संडे को, थर्सडे को और एक दिन रहता है, एक दिन छोड़ के। तो इस ट्रेन में भी आप जा सकते हैं। आपको हावड़ा से स्लीपर क्लास का जो टिकट प्राइस है वो है 505 रुपीज़, 505 रुपये। तो आप लोगों को 500 रुपये खर्चा करना पड़ेगा टिकट के ऊपर। आप चाहे तो जनरल में भी जा सकते हैं। 17 घंटे के आसपास आप लोगों को ट्रैवल करना पड़ेगा सिर्फ ट्रेन में। तो आपको उतरना पड़ेगा सतना स्टेशन पर। सतना स्टेशन से उतरते ही आप लोगों को ऑटो में 20 रुपया खर्चा पड़ेगा। ऑटो पकड़ के आप लोगों को जाना पड़ेगा सतना बस स्टैंड जा। ऑटो में 20 रुपये 10 मिनट के आसपास लगेगा। आप लोगों को ऑटो से उतरते ही सामने बस स्टैंड दिख जाएगा। बस स्टैंड से आप बस पकड़ सकते हैं छतरपुर के लिए। आप लोग अगर बस स्टैंड में जाके किसी से पूछेंगे कि मेरे को छतरपुर जाना है तो आप लोगों को बस दिखा देगा। बस की टिकट प्राइस 200 के आसपास पड़ जाएगा, 160 से 200 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो आप उधर 200 पकड़ लीजिए। तो आप लोगों को 200 रुपये दे के बस में उतरना पड़ेगा और बस से आप लोगों को उतरेंगे छतरपुर। छतरपुर जहाँ आप लोगों को उतरेगा उस वहीं पे आप लोगों को ऑटो मिल जाएगा। ऑटो से आप लोग अगर बोलेंगे कि बाबा जी की धाम पे जाना है तो आप उधर अवेलेबल ऑटो 24/7 अवेलेबल ऑटो। आप किसी से भी बोलेंगे आप लोगों को ऑटो में भी 20 से 30 रुपया लेगा, आप लोगों को बिल्कुल धाम के ऊपर ही छोड़ेगा। आप लोगों को ऑटो में शायद आधा घंटा लग सकता है, 20 मिनट से आधा घंटा लग जाएगा। वो डिपेंड करता है जैम के ऊपर, क्योंकि ज़्यादातर जैम रहता नहीं, लेकिन बाबा जी अगर धाम में है तो थोड़ा सा जैम होगा। तो आप लोग खर्चा आइडिया कर सकते। और आप लोग अगर बाबा जी के दर्शन के लिए जा रहे तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आप अगर वेस्ट बंगाल से जा रहे हैं तो आप लोग संडे निकल सकते हैं, रविवार को निकल सकते हैं। रविवार को शाम को जो ट्रेन है मुंबई मेल भी है और शिप्रा एक्सप्रेस भी है, दो ट्रेन है। आप किसी भी ट्रेन पकड़ के सतना उतर जाइए। सतना दूसरे दिन दोपहर को या सुबह को उतर जाएंगे आप लोग। तो वहाँ से आप सोमवार को सुबह बस स्टैंड चले जाइए, जो सतना बस स्टैंड है वहाँ से आप लोग छतरपुर के लिए निकल जाइए। सोमवार को आप पूरा बाबा जी के धाम पहुँच जाएंगे। जाने के लिए एक दिन के आसपास लग जाता है। तो बाबा जी के धाम जाके थोड़ा सा दर्शन कर लीजिए, मंदिर का बालाजी का दर्शन कर लीजिए, गुरु जी का दर्शन ले लीजिए। उसके बाद आप मंगलवार को सुबह 6 बजे के आसपास एक बहुत खूबसूरत आरती होता है, तो आप मंगलवार की सुबह वो आरती देख सकते हैं। और मंगलवार को बाबा जी, शनिवार को और मंगलवार को अगर धाम में है तो शनिवार को और मंगलवार में शनिवार मंगलवार बाबा जी कथा सुनाते, बालाजी की कथा, राम सीता जी की कथा सुनाते। अगर धाम में तो आप दर्शन ले सकते हैं बाबा जी की, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बाबा जी की, तो दर्शन ले सकते हैं। शनिवार और मंगलवार यही दो दिन बाबा जी धाम में अगर है तो आएंगे ही, दर्शन के लिए आएंगे ही, अगर कोई ज़रूरी काम ना पड़ा तो आप यही कर सकते हैं। और आप अगर इंडिया के किसी और स्टेट से आ रहे तो पहले आप दिल्ली आ जाइए, दिल्ली स्टेशन आ जाइए।
नेशनल स्टेशन, वहाँ से आप लोगों को सतना एक्सप्रेस के लिए, सतना के लिए बहुत सारे ट्रेन मिल जाएगी, बहुत सारी। दिल्ली से सतना ज़्यादा दूर है नहीं, ट्रेन से आप लोगों को शायद 2 से 3 घंटा लगेगा, तो दिल्ली से आप आ सकते। और अगर आप देख लीजिए आपके वहाँ से अगर सतना के लिए डायरेक्ट ट्रेन है तो आप सतना डायरेक्ट आ सकते, तो वो आपके ऊपर है। और सतना से तो सेम ही प्रोसेस है, पहले ऑटो पकड़ लीजिए, उसके बाद बस, बस से फिर ऑटो बाबा जी के धाम पहुँच जाएंगे। तो आप करीबन आइडिया लगा सकते हैं। और वहाँ रहने की बात मैं बता दूँ, ज़्यादा रिजॉर्ट या होटल है नहीं, और पे आप लोगों को 100 रुपये में रहने की पूरा व्यवस्था कर दिया जाएगा। आप लोगों को एक बेड दे दिया जाएगा छोटा सा, उसको हम बेड नहीं बोल सकते क्योंकि बड़ा सा एक टेंट रहता है, और स्टेट के अंदर 50, 20, 30 लोग एक साथ रहने की व्यवस्था किया जाता है। और 60 रुपये में आप लोगों को थाली मिल जाएगी खाने के लिए, और आप लोगों को रहने की व्यवस्था कर दिया जाएगा 100 रुपये में, एक रात आप स्टे कर सकते हैं 100 रुपये में। और इलेक्ट्रिक भी है, आप लोग अगर फ़ोन चार्ज करना चाहते हैं, कुछ चार्ज करना चाहता है चाहते हैं तो वो भी आप लोगों को फैसिलिटी आप लोगों को मिल जाएगा। पूरा ये आप लोगों को जिस फैसिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, ये टेंट पूरा धाम के ऊपर ही है। आप अगर यहाँ रहते तो आप लोगों को धाम में जाने के लिए, बाबा जी की, बालाजी की मंदिर जाने के लिए शायद 1 मिनट चलना पड़े, इतना दूर है। और अगर आप होटल या रिजॉर्ट में रहना चाहते तो वो धाम से थोड़ा सा दूर पड़ेगा। आप लोगों को अगर जहाँ ऑटो से उतर रहे, छतरपुर बस स्टॉप उतरते ऑटो वाले के बोल दीजिए कि मेरे को कोई अच्छी सी रिजॉर्ट या कोई होटल मिले चली, तो आप लोगों को लेके जाएगा और वहाँ रह सकते। लेकिन मैं प्रिपेयर करूँगा कि बाबा जी की दर्शन लेना चाहते हैं तो आप धाम के ऊपर जो टेंट है वो आप रह सकते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो मैं ब्लॉग में ज़्यादा आप लोगों को और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, मेरा ब्लॉग आप फॉलो कर सकते हैं। मैं ब्लॉग में पूरा डिटेलिंग के साथ बोल देता हूँ कि यहाँ उतरिए, यहाँ से यहाँ जाना है, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं, तो वो आपके ऊपर है। और एक जगह से आप जा सकते हैं लेकिन वो ज़्यादा घूमना पड़ता है, इसीलिए मैं उसके बारे में बोलूँगा नहीं, फिर भी थोड़ा सा बोल देता हूँ। आप प्रयागराज जा सकते हैं, प्रयागराज से आप लोगों को ट्रेन मिल जाएगा, और आप प्रयागराज से खजुराहो स्टेशन, नाम थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, खजुराहो स्टेशन, वहाँ पे आप उतर सकते हैं, और खजुराहो से एक ही ऑटो में आप पूरा बाबा जी के धाम पहुँच सकते हैं। खजुराहो स्टेशन से आप लोगों को 50 रुपया रहेगा ऑटो में, शेयरिंग ऑटो, और उस ऑटो में आप पूरा बाबा जी के धाम तक पहुंच सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन ये जो प्रयागराज से खजुराहो, ये थोड़ा सा घूम के आना पड़ता है, और यहाँ का ट्रेन ज़्यादातर बहुत डिले रहता है, क्योंकि मैं वापस इसी रास्ते से आ रहा था, खजुराहो से प्रयागराज, प्रयागराज से हावड़ा, तो मेरा ट्रेन करीबन 14 घंटा लेट था। आप समझ ही सकते हैं 14 घंटा के मतलब बहुत, आधे दिन की भी ज़्यादा ट्रेन लेट था, तो आपके ऊपर है। और आप लोगों को और किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। और बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि बाबा जी की दर्शन मिलेगा कि नहीं, बाबा जी से बात कर सकते हैं कि नहीं। दर्शन तो मिलेगा, आप अगर मंगलवार को या शनिवार को जा रहे हैं तो आप लोगों को दर्शन मिल जाएगा अगर बाबा जी धाम पे है तो। लेकिन आप बात कर सकते हैं कि नहीं, ये आपके ऊपर है, आपकी श्रद्धा के ऊपर है, वो मेरे को नहीं मालूम कि आप बात कर सकते हैं कि नहीं, तो इस बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो चलिए इसी के साथ इस छोटा सा इन्फॉर्मेशन वीडियो की एंड करता हूँ, और सबको राम राम, बाय बाय।